वालेकुम एवरीवन। ओके सो हम स्क्विंट कर रहे थे, उसको कंटिन्यू करते हैं। तो स्क्विंट के लिए जाहिर सी बात है कि आपके बहुत सारे ऐसे टेस्ट हैं जिनको आप जो असेस करने के लिए जरूरी होते हैं कि डिग्री ऑफ स्क्विंट कितना है और आइदर हेटरोफोरिया ऊपर नीचे है ऊपर या फिर साइड्स पे है। मतलब बहुत सारे टेस्ट हम स्क्विंट पे इस्तेमाल करते हैं। एंड मीन दिस थिंग कि आपके लिए जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है एग्जाम में जो आता है क्वेश्चन, वो हमेशा क्वेश्चन यही आता है। वो आपसे ये नहीं पूछते कि भाई हमें स्क्विंट की पैथोफिजियोलॉजी या कुछ ऐसा बताएं, ऐसा बहुत कम होता है। मैक्सिमम टाइम वो आपसे पूछते हैं कि भाई एक सिनेरियो दे देते हैं, टाइप ऑफ स्क्विंट पूछेंगे वो आपसे, और उसके बाद कहेंगे बताएं इसका फॉलोअप क्या है, इसको मैनेज कैसे करना है, टेस्ट कौन से कराने हैं, ये सारी बातें। और उसमें आपने भी बाकायदा उसका आंसर लिखना होता है, वो तो मैं जिन्हें बाद में बताऊंगी। लेकिन टेस्ट को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे से मैं अभी आपको स्क्विंट अगर प्रॉपर्टी स्टार्ट करा भी हूँ, लाइक मैं आपको बता दूँ कि भाई हेटरोट्रोपिया क्या है और दूसरा इसोट्रोपिया एक्सोट्रोपिया क्या है, तो मुश्किल बात नहीं है, वो तो सेकंड की बात है। उसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि उसको हमने असेस किस तरह करना है। तो इसमें पहले आपको सारे टेस्ट बता दूंगी और फिर हम आगे करेंगे स्क्विंट, ताकि आपको जब मैं टेस्ट का नाम हूँ तो टेस्ट आता हो कि क्या किया है। ओके जी, एक हमारे पास टेस्ट होता है मैडॉक्स रॉड टेस्ट। मैडॉक्स रॉड टेस्ट में ये बताता है कि कितना डिग्री ऑफ स्क्विंट है, यानी अगर एक पेशेंट की आंख है, सपोज उसकी आंख है, और देखेंगे इसमें जो आपकी ये लेफ्ट वाली आई है, पेशेंट की लेफ्ट आई है वो बाहर की तरफ गई हुई है, यानी कि इसको एक्सोट्रोपिया है। ठीक है, ये चलो हम बाद में करेंगे, एक्सोट्रोपिया होता है लेकिन इसको बाहर की तरफ गई हुई है। अब एक्सोट्रोपिया इसको बल्कि मैं आपको बता चुकी हूँ क्या होता है ये। ठीक है, तो हम इसको असेस कैसे करेंगे कि कितने डिग्रीज ऑफ एक्सोट्रोपिया, तो उसके लिए हमारे पास मेडॉक्स रॉड एंड मेडॉक्स विंग दो इंस्ट्रूमेंट्स हैं। मेडॉक्स रॉड जो है वो आपका इस तरह का एक रॉड होता है जिसको आप इधर से पकड़ते हैं, और इसके सेंटर में रेड से कलर का एक वो होता है, डिस्क सी होती है जिसपे लाइन्स लगी होती है। ठीक है, रेड ही होती है वो। अच्छा, अब आपने क्या करना है, करने का तरीका कि इससे मैंने आपको पहले बताया कि हमें पता ये चलेगा कि भाई डिग्री ऑफ जो भी डेविएशन है वो कितनी है। ठीक है, दोनों डेविएशन में हम इसे चेक यूज कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल डेविएशन में भी और वर्टिकल डेविएशन में। अगर पेशेंट की हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है, दोनों तरह से इस्तेमाल होगा। हमने क्या करना है, हमने एक लेना है मेडॉक्स रॉड और एक होता है मेडॉक्स का साथ टेंजेंट स्केल। रॉड तो आपको सिर्फ जो है वो डेविएशन के बारे में बताता है, मतलब मैं आपको बताऊंगी इस तरह से, और टेंजेंट स्केल पे सारी मेजरमेंट्स होती है, इस तरह का वो बना हुआ होता है, मैं आपको तस्वीर भी दिखा दूंगी। हॉरिजॉन्टल भी मेजरमेंट्स होती है उस पर, वर्टिकल भी, जो एग्जैक्टली मेयर करते हैं कितने डिग्रीज ऑफ जो पेशेंट है उसकी डेविएशन है। अच्छा, अब हमें बहुत ज्यादा एग्जैक्टली आपको ये पता होना जरूरी नहीं कि डिग्री किस तरह मेजर होती है, आपके लिए जरूरी है कि इसका तरीका क्या है। ठीक है, क्योंकि तरीका आना ही हमारे लिए बहुत इनफ है। हमने क्या करना होता है, अगर हमने पेशेंट की पहले बात करते हैं हॉरिजॉन्टल डेविएशन की, ठीक है, करने का एक जनरल तरीका मैं अगर आपको बताऊं, हमने ये वाला जो रॉड है, जो पेशेंट की आंख है जिसमें प्रॉब्लम है, ठीक है, जिसमें डेविएशन है, हम ये रॉड उस आंख के आगे रख लेते हैं। अब जाहिर सी बात है अगर मैं डेविएशन की बात कर रही हूँ, तो ये हमेशा मेडॉक्स रॉड मेडॉक्स विंग हमेशा आपके मैनिफेस्ट स्क्विंट में इस्तेमाल होंगे। वो वाला स्क्विंट जो हर वक्त रहता है, ये कभी भी आपके लेटेंट स्क्विंट में इस्तेमाल नहीं होता, क्योंकि लेटेंट स्क्विंट तो आपका जब दोनों आंखें खुली हुई हो तो होता ही नहीं है। ठीक है, तो मैनिफेस्ट स्क्विंट में आप मेडॉक्स रॉड इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, मैनिफेस्ट स्क्विंट वो है जो हर टाइम रहेगा, जिसमें एक आंख हर टाइम डेविएटेड है। तो आपने क्या करना होता है कि आपने इस रॉड को डेविएटेड आंख के सामने लेके ऐसे रखना होता है कि इसके ये वाला जाहिर है जो शीशा से दरमियान में लगा होता है, ये आपकी आंख के सामने आता है, और जो शीशे पे लाइंस है इनका बड़ा मकसद होता है। ये लाइंस आपने जिस डायरेक्शन में पेशेंट को मसला है ना, मतलब अगर पेशेंट की हॉरिजॉन्टल डेविएशन है तो जाहिर है पेशेंट को मसला इस डायरेक्शन में, और ये वाली डायरेक्शन की जो मूवमेंट है यानी हॉरिजॉन्टल मूवमेंट्स हमेशा इस एक्सिस पे होती है। तो मैंने आपको पहले भी बात समझाई थी कि मूवमेंट हमेशा एक्सिस पे होती है, और अगर मेरे पास एक्सिस वर्टिकल होगा तो मूवमेंट उसमें हॉरिजॉन्टल होती है, और अगर एक्सिस हॉरिजॉन्टल होगा तो मूवमेंट हमेशा वर्टिकल होती है। बहरहाल कोई बात नहीं, अभी जो बात इंपॉर्टेंट करने वाली, मुझे इतना याद रखें कि जिस डायरेक्शन में पेशेंट को प्रॉब्लम होती है, यानी अगर उसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रॉब्लम है, तो आपने जो इसकी लाइन्स होंगी ना जिसके शीशे की, वो भी उसी डायरेक्शन में पेशेंट की आंख के आगे रखनी है। यानी कि इस वाले पेशेंट में मैं ये शीशे की आंखें इस तरह रखूंगी कि हॉरिजॉन्टली लाइंस इस आंख के आगे आए, इसी तरह जैसे ये रखा मैंने इसी तरह मैं इसकी आंख के आगे रखे रखूंगी। लेकिन अगर इस पेशेंट को जैसे वर्टिकल डेविएशन है, आंख ऊपर की तरफ इसका आईबॉल गया हुआ है, इसमें मैं क्या करूंगी, मैं इस तरह से रॉड को इसकी आंख के आगे प्लेस करूंगी, अपने हाथ से ही प्लेस करूंगी कि लाइन जो है ना वो ऐसे आए। ठीक है, लाइन यूं वर्टिकली आए, क्योंकि पेशेंट को जो डेविएशन है वो वर्टिकल है। ठीक है, तो जब आपकी हॉरिजॉन्टल डेविएशन होगी तो लाइंस भी हॉरिजॉन्टल पेशेंट के आगे आनी चाहिए, और वर्टिकल होगी तो वर्टिकल आनी चाहिए। अब नजर क्या आता है, एक बिल्कुल ठीक बंदे को पहले बात कर लेते हैं। अगर एक बंदे की विजन बिल्कुल ठीक है, बायनोक्युलर सिंगल विजन है, ठीक है, यानी कि उसका ये है और दूसरी आंख यहाँ पर आ गई और ये उसको बिल्कुल ठीक है दोनों आगे। ठीक है, मैं इसके आगे अगर ये वाला सपोज मैं इस आंख के आगे ये मेडॉक्स रॉड रख देती हूँ और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ रखती हूँ। ठीक है, ये रॉड था मेरा, मैंने यहाँ प्लेस किया, उसके बाद मैं पेशेंट को कहूंगी कि एक दूर मैंने रखा हुआ होगा सोर्स ऑफ लाइट। ठीक है, ये तो मैंने पेशेंट के आंख के आगे रखना है,
यहाँ पर सपोज मैंने रखा हुआ एक सोर्स ऑफ लाइट, पेशेंट से मैं कहूंगी कि वो अपनी दोनों आंखों से इस सोर्स ऑफ लाइट पे फोकस करे, ठीक है, यहाँ पर है सोर्स ऑफ लाइट। अब जब पेशेंट दोनों आंखों से सोर्स ऑफ लाइट पे फोकस करेगा, एक आंख पे उसके मतलब उसकी एक आंख के आगे ये मेडॉक्स रॉड है, एक आंख खाली है, तो उसको अपनी राइट आई से नजर आएगा लाइट का सोर्स, यानी ऐसे नुकता सा पॉइंट ऑफ लाइट नजर आएगा जो कि है एक्चुअली। लेकिन जो मेडॉक्स रॉड है ना, इसकी लाइंस बड़े काम की होती है, ये उस लाइट सोर्स को ना रेड कलर की लाइन में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। और रेड कलर की लाइन में इस तरह से कि अगर हमने मेडॉक्स रॉड ऐसे रखा हुआ है कि मेडॉक्स रॉड की अपनी लाइन हॉरिजॉन्टल है, तो जो रेड लाइन इससे बनती है ना, वो वर्टिकल होती है, ठीक है, जो पेशेंट को नजर आती है। और अगर हमने इस तरह रखा हुआ है मेडॉक्स रॉड की जो अपनी लाइंस है वो वर्टिकल आई हुई है, यूं करके रखा है मैंने, सपोज ऐसे पकड़ा है, ठीक है, तो हमारे पास जो पेशेंट को तस्वीर इसकी नजर आएगी वो एक हॉरिजॉन्टल रेड कलर की लाइन नजर आएगी। रेड से ही मैं इस्तेमाल करती हूँ तो ज्यादा अच्छा था। ये अगर हॉरिजॉन्टली रखा हुआ है तो पेशेंट को वर्टिकल रेड लाइन नजर आएगी, और अगर वर्टिकल रखा हुआ है तो हॉरिजॉन्टल रेड लाइन नजर आएगी। और एक नॉर्मल बंदे को ऐसा होगा, तो अगर आप एक नॉर्मल बंदे को ऐसे कहेंगे कि उसके आंख के आगे आपने रॉड रखा और उसे यहाँ पर सोर्स ऑफ लाइट आपने रखा हुआ, और उसे कहते हैं कि आप सोर्स ऑफ लाइट पे फिक्स करो और बताओ कि क्या नजर आ रहा है, तो एक नॉर्मल विजन के बंदे की इमेज बायनोकुलर सिंगल विजन है ना, उसको दोनों आंखों से जो इमेज नजर आती है वो फ्यूज इमेज नजर आती है, तो वो बताएगा कि अगर ये आपने रखे हुए हॉरिजॉन्टल साइड पे, तो वो बताएगा कि उसे एक स्ट्रेट रेड कलर की लाइन के ऊपर एक छोटा सा नुकता रोशनी का, व्हाइट कलर की रोशनी का नजर आ रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो इमेज, इसको मैं बताती हूँ, जो इमेज यहाँ से बन रही है, इस आंख से जो इमेज बन रही है इस वक्त, वो ये इमेज है स्ट्रेट रेड कलर की रॉड है, और इस आंख से जो इमेज बन रही है वो एक ब्लू कलर की रोशनी का डॉट है, ठीक है। अब जिस बंदे की इमेज यानी नजर बिल्कुल ठीक है, उसकी ये दोनों चीजें फ्यूज करके प्रेजेंट होंगी, और उसको बताएगा कि मुझे एक लाल रंग की लाइन और उसके ऊपर एक रोशनी सेंटर में उसके नजर आ रही है, उसके ऊपर ही नजर आ रही है। ये एक नॉर्मल बंदे की चार्टिंग है, ठीक है, फ्यूज्ड इमेज। अब अगर हम बात करते हैं इस वाले बंदे की, इस बंदे में क्या है जी, लैटरल डेविएशन है, एक्सोट्रोपिया है, बाहर की तरफ आईबॉल मूव है। अब इसमें मैं जाहिर सी बात है हॉरिजॉन्टल डेविएशन है, तो मैं इसके आगे रखूंगी मेडॉक्स रॉड हॉरिजॉन्टल ही डायरेक्शन में। अब ये वाला पेशेंट जो है ना मेरे पास कैसे प्रेजेंट करेगा, इसको ये वाली जो जाहिर सी बात है इसकी आईबॉल बाहर की तरफ डेविएटेड है, तो उसको जो लाइन नजर आएगी ना वर्टिकल लाइन, वो कहेगा कि मुझे मेरे इधर वर्टिकल लाइन नजर आ रही है और यहाँ पर मुझे एक ब्लू रंग की रोशनी नजर आ रही है। इसका मतलब है कि ये जो इमेज है वो क्रॉस नहीं हुई, फ्यूज भी नहीं हुई और क्रॉस भी नहीं। क्रॉस होने का मतलब है कि दूसरी तरफ भी नहीं गई और इवन फ्यूज ही नहीं हुई। उसे जो लेफ्ट आंख की इमेज है वो लेफ्ट साइड पे नजर आ रही है और राइट आंख की इमेज राइट साइड पे नजर आ रही है, उसे दो डिफरेंट इमेजेस नजर आ रही है। इसको हम कहते हैं पेशेंट इज हैविंग एक्सोट्रोपिया, ठीक है। एक्सोट्रोपिया तब आता है जब इमेज अनक्रॉस्ड एंड अनफ्यूज्ड होती है। और अगर इसके ऑपोजिट आपको पेशेंट ये कहता है कि मुझे नजर ये आ रहा है, मतलब उसकी कंडीशन ऐसी है कि वो कहते हैं कि मुझे राइट, आपने उसकी लेफ्ट आंख के ऊपर रखा है मेडॉक्स रॉड और कहते हैं कि मुझे यहाँ पर राइट साइड पर लंबी लाइन नजर आ रही है और यहाँ पर मुझे नुकता नजर आ रहा है। अब इसका मतलब ये कि मेडॉक्स की इमेज उसे दूसरी तरफ नजर आ रही है और इस आंख से जो देखने वाली इमेज है वो उसे दूसरी तरफ नजर आ रही है, यानी इमेजेस क्रॉस हो गई है, ठीक है। तो जब क्रॉस हो जाती है इमेजेस, इसका मतलब होता है कि पेशेंट को ईसोट्रोपिया है, आईबॉल अंदर की तरफ मूव्ड है, इस तरफ मूव्ड है, ठीक है, ईसोट्रोपिया, यहाँ वाला नहीं होगा, ईसोट्रोपिया होगा। तो ये होता है इसका इंटरप्रिटेशन। अगर पेशेंट कहे कि उसको इमेज फ्यूज नजर आ रही है तो मतलब सब ठीक है, अगर उसको इमेज इस तरह नजर आएगी कि अपनी अपनी साइड की इमेज अलग अलग नजर आएगी तो एक्सोट्रोपिया, और अगर उसे इमेज इस तरह नजर आएगी क्रॉस हो जाए तो फिर होता है ईसोट्रोपिया। और वर्टिकल में भी ऐसे ही होता है। वर्टिकल में अब क्या होगा, अगर पेशेंट को जाहिर सी बात है हम मेडॉक्स रॉड को हम ऐसे करके पेशेंट की आंख के आगे रख देंगे, ठीक है जी। अच्छा, अगर आपको ठीक विजन का जो बंदा है वो क्या बताएगा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, अब हमने वर्टिकल रखा है तो हॉरिजॉन्टल लाइन नजर आएगी पेशेंट को, हॉरिजॉन्टल लाइन उसके ऊपर मुझे नीला सा डॉट नजर आ रहा है, ये एक नॉर्मल बंदे को नजर आता है। जो बंदा ऐसा होगा, ठीक है, जिसकी एक आईबॉल ऊपर गई हुई है, वो ये बताएगा कि मुझे नजर आ रही है एक लाइन रेड कलर की ऊपर और उसके नीचे मुझे नजर आ रहा है ब्लू डॉट। इसका मतलब ये है कि एक आंख से उसको ऊपर नजर आ रहा है, दूसरे से उसको नीचे नजर आ रहा है, और जो आंख आपकी खराब है उसके ऊपर आ रही है, तो दिस इज द इमेज शोइंग हाइपरट्रोपिया, ठीक है, क्योंकि आपका मेडॉक्स रॉड वाली जो साइड है उस वो ऊपर गई हुई है, इसलिए मेडॉक्स रॉड वाली इमेज आपको ऊपर नजर आ रही है। और अगर आपका इमेज यूं आता है कि पेशेंट आपको कहते हैं कि मुझे भी नजर आ रहा है रेड लाइन नीचे और जो ब्लू वाला नुकता है यानी रोशनी का नुकता वो ऊपर नजर आ रहा है, ये शो करता है कि आपकी मेडॉक्स रॉड वाली आंख नीचे की तरफ मूव की हुई है, एंड दिस इज हाइपोट्रोपिया। तो बहरहाल ये आपका इस तरह से आपको अंदाजा हो जाता है। और ना सिर्फ ये बल्कि
कितना आगे पीछे हो रहा है वो आपको टेंजेंट स्केल बता देता है, ठीक है, कि कितना ज्यादा डायोप्टर्स में डिफरेंस है, कितना ज्यादा ऊपर और नीचे नजर आ रहा है, या आपको टेंजेंट स्केल आप पेशेंट के सामने रखा हुआ होता है आपने, और उससे पूछ रहे थे कि टेंजेंट स्केल में बताओ कि कितना तुम्हें लाइन किस जगह नजर आ रही है, डॉट किस जगह नजर आ रहा है, फिर हमें चार्टिंग हम उसकी कर लेते हैं। बहरहाल आपके लिए ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसको समझना जो मैंने आपको बता दी है और इसको इंटरप्रेट करना। यहाँ पर बात खत्म कर दी, किसी को मसला होगा ना। थैंक यू।